नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। आज के डेली करंट अफेयर्स में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा और बहुत अच्छे तरीके से मैं उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। बस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अगर आपका मन करे तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल आज तारीख है 9 जून और जो लोग कल मेरे करंट अफेयर्स का इंतजार कर रहे थे, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो करंट अफेयर्स है वो अब आपका मंगलवार से लेकर रविवार तक आएगा, सोमवार को करंट अफेयर्स आपका नहीं आएगा। एक दिन तो मुझे भी छुट्टी चाहिए होती है। तो फिलहाल आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड घोषित किया गया है, रिचर्ड डकिंस अवार्ड जो है ये पहली बार किसी भारतीय को दिया गया है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे सामने आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि दुनिया में जो लोग हैं वो पर्यावरण को एकदम बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। साइबेरिया में एक ऐसी घटना अभी सामने आई जिसकी वजह से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वहां पर आपातकाल घोषित करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? साइबेरिया का एक शहर है नॉर्लिक्स, वहां पर नॉर्लिक्स निकिल नाम की एक कंपनी निकिल उत्पादन और प्लैटिनियम उत्पादन के काम करती है, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा मात्रा में डीजल की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में उन्होंने अपने पास एक टैंकर बना रखा था जिस टैंकर में की जो क्षमता थी वो लगभग 20,000 टन डीजल उसमें था। अचानक से आपको अगर आपको थोड़ा सा पता हो साइबेरिया के बारे में तो साइबेरिया एक बर्फीला इलाका है। चुकची जनजाति के बारे में आपने जरूर सुना होगा, चुकची जनजाति के जो लोग हैं वो आपके साइबेरिया में ही पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा लगभग आर्कटिक सागर के पास है और इस वजह से पूरा बर्फ से ढका हुआ इलाका है। वहां पर एक ठोस बर्फ की जमीन बनी हुई थी और उसी के ऊपर एक पिलर के जरिए इस टैंक को टिकाया गया था, लेकिन तापमान बढ़ने की वजह से बर्फ पिघली और वो पिलर धंस गया और ऐसे में वहां पर जो टैंकर था वो नीचे लुढ़क गया और पूरा जो डीजल 20,000 टन था वो बहने लगा। और पास में एक नदी बह रही है, अमरनाया नदी, जिस पर ये डीजल बह गया और वो नदी सफेद से लाल हो गई। अब उसके अंदर जो भी मछलियां वगैरह या जो भी जल जीवन था वो पूरी तरीके से नष्ट होने की कगार पर पहुंच गया है। ये अमरनाया नदी आगे जाकर एक झील में मिलती है और ये झील फिर आगे जाकर आर्कटिक महासागर में मिलती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके रास्ते में आर्कटिक सागर रिजर्व भी आता है जिसको रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर भी इसका नुकसान होने की संभावना है। इस घटना से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पूरी स्तर पर, युद्ध स्तर पर, नदी को साफ करने का प्रोग्राम शुरू कर दिया। ऐसे में बहुत सारा जो सुरक्षा बल है वो नदी को साफ करने में लगा हुआ है, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में डीजल वहां पे फैला है कि 6,000 टन जो डीजल है वो उसने जमीन को खराब कर दिया है और 15,000 टन जो है डीजल वो नदी के पानी में चला गया, जिसकी वजह से वो ऊपर से जब सैटेलाइट व्यू लिया जा रहा है नदी का तो उसमें भी वो लाल नजर आ रही है। चलते हैं न्यूज की तरफ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में साइबेरिया में आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी है। यह फैसला उन्होंने एक ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद लिया है। यह घटना नॉर्लिस्क शहर के बाहरी इलाके में स्थित ऊर्जा संयंत्र में हुई। ईंधन को अमरनाया नदी में मिलने से रोकने हेतु अवरोधक लगाए गए हैं। नदी से एक झील भी निकलती है जो आगे चलकर एक नदी से मिल जाती है और यह नदी पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील आर्कटिक महासागर की तरफ जाती है। यह तेल संयंत्र नॉर्लिक्स निकिल नाम की एक कंपनी द्वारा संचालित किया जाता था, जिसके क्षेत्र में कारखानों में नॉर्लिक्स को पृथ्वी का सबसे भारी प्रदूषित शहर बना दिया है। रूस के राष्ट्रपति ने आर्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ईंधन तेल फैलने की लापरवाही के लिए उस कंपनी के मालिक को जिम्मेदार ठहराया है और यह भी सुनिश्चित किया है कि जो भी इसमें खर्च होगा उसका पूरा का पूरा कंपनी से वसूला जाएगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं साइबेरिया की तरफ। साइबेरिया जो है ये 1991 से पहले सोवियत संघ का पार्ट था, बाद में इसको रशिया का पार्ट बन गया। रशिया ने इसको 15वीं से 16वीं शताब्दी में युद्ध में जीता था। साइबेरिया का बहुत बड़ा हिस्सा, ये ऊपरी पार्ट आप जो देखेंगे ये पूरा का पूरा साइबेरिया से घिरा हुआ नजर आएगा। ये पूरा का पूरा जो है लगभग लगभग वो साइबेरिया है। मध्य पूर्वी भाग जो है रशिया का यानी रूस का वो साइबेरिया ही है और प्रमुख औद्योगिक स्थलों में से एक है रूस के लिए। इसमें इंपॉर्टेंट एक चीज आपको नजर आनी चाहिए कि यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये है बैकाल लेक। बैकाल लेक को दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहा जाता है। इससे ज्यादा जो बड़ी झील है वो कैस्पियन सागर है उसे, लेकिन उसका पानी खारा है, उसमें ज्यादा पानी है इसलिए उसको खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहते हैं। लेकिन अगर मीठे पानी की झील की बात करें तो वो है बैकाल झील। साइबेरिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 131 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कितना है याद है आपको? भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी साइबेरिया जो है वो भारत का लगभग 4 गुना बड़ा देश है। देश क्या मतलब, आपका रशिया का पार्ट है एक तरह से आप इसे कह सकते हैं। तो हाल फिलहाल ये घटना कहां घटी? साइबेरिया में घटी और इससे जो प्रभावित होने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? वो है अमरनाया नदी। इस नदी का नाम जरूर आप याद रखेंगे। अगर आप थोड़ा सा और ज्यादा याद रखना चाहते हैं तो इस कंपनी का नाम भी याद रख लीजिए, नॉर्लिक्स निकल नाम की कंपनी है
जिसका ये ऊर्जा संयंत्र था, जिसकी वजह से ये नुकसान अभी देखने को मिला है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये हैं हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर। ये पहले ऐसे नौकर था है जिनको सीधे मंत्री पद का दर्जा प्राप्त हुआ। फिलहाल पंचशील सिद्धांत की बात सामने आई है। पंचशील सिद्धांत हमने दो तीन जगह और पढ़ रखा होगा आपने। एक बार तो आपने नेहरू और जो चीन के बीच में समझौता हुआ था वहां पर पंचशील सिद्धांत की बात आई थी, और एक बार आपने बौद्ध धर्म में सुना होगा पंचशील सिद्धांत है, हिंसा न करना, चोरी न करना, उसके बारे में बातचीत करेंगे अभी। चल पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जीत हासिल की थी। वो वही हो गए आपके चीन, रूस, अमेरिका, कनाडा वगैरह। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बड़ी जो 5 सदस्य हैं वो तो स्थायी हैं और उनके पास वीटो पावर भी है, लेकिन उसके अलावा जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं इनका चुनाव हर दूसरे साल किया जाता है, यानी हर 2 वर्ष में ये चुने जाते हैं। लेकिन हर साल केवल 5 सदस्यों का चुनाव होता है, और इस बार भी इन सदस्यों का जो चुनाव है वो 17 जून को होने वाला है। वो कब होने वाला है? वो 17 जून को होने वाला है। 17 जून में इस बार भारत की जो दावेदारी है, क्योंकि ये क्षेत्रीय रूप से चुने जाते हैं, यूरोप से आएंगे, यूरेशिया से आएंगे और एशिया पैसिफिक क्षेत्र से आएंगे, तो यहां पर अब भारत की दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि एशिया पैसिफिक क्षेत्र से आने वाला भारत जो है ये अकेला है। तो 5 सदस्यों में से 1 सदस्य जो है वो भारत के बनने की उम्मीद होती चली जा रही है। फिलहाल ऐसा नहीं है कि पहली बार यूएनएससी का सदस्य भारत बनेगा, ये उसका 8वां कार्यकाल होगा अगर वो चुन लिया जाता है, भारत चुन लिया जाता है। तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के अपने अभियान के लिए देश के पंचशील सिद्धांतों का शुभारंभ किया है, और इसके लिए उन्होंने भारत का जो एजेंडा है, किस तरीके से भारत वैश्विक या विश्व के देशों की जो है वो नेतृत्व कर सकता है, इसके लिए एक बुकलेट जारी की। उस बुकलेट में पंचशील सिद्धांतों के बारे में बातचीत की है, और पंचशील सिद्धांतों में एक है सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि शामिल है। ये जो पंचशील सिद्धांत दिए गए हैं, ये जो 5 चीजें दी गई हैं, ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी गई हैं, और इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो ये है रिस्पेक्ट, डायलॉग यानी संवाद, कोऑपरेशन यानी सहयोग, पीस यानी कि शांति, प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धता। भारत के एजेंडे में ये 5 चीजें शामिल हैं, और इस वजह से इसको पंचशील सिद्धांत कहा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। अगर कोई देश उद्दंडता करेगा तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सिपाही ही या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही इस मामले को संज्ञान में लेगी कि कोई देश किसी दूसरे देश पर उद्दंडता ना कर सके, कोई गैर कानूनी काम ना कर सके। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो गठन है, संयुक्त राष्ट्र की 6 भागों में से एक है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। परिषद को अनिवार्य निर्णयों को घोषित करने का अधिकार भी है। ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है, और इसे विश्व का सिपाही भी कहते हैं। पंचशील सिद्धांत की बात करें, पंचशील सिद्धांत जो था ये नेहरू जी ने दिया था, और जब उन्होंने 1952-54 के दौरान चीन को अपना दोस्त समझ लिया था और एक संधि की थी जिसमें 1904 में एंग्लो इंडियन संधि हुई थी, जिसके जरिए तिब्बत जो है वो भारत का पार्ट माना गया था, लेकिन बाद में चीन का अधिकार हो जाने के बाद इस पंचशील समझौते के बदौलत भारत ने यह मान लिया था कि तिब्बत जो है वो चीन का पार्ट रहेगा, और इसके बदले में भारत ने कुछ भी हासिल नहीं किया था। जबकि लोगों ने यह कहा था, सलाह दी थी कि भाई आप कम से कम अपने जो भी सीमा विवाद हैं उनको चीन के साथ सुलझा लीजिए, लेकिन भारत ये समझने लगा था कि भारत हिंदी चीनी भाई भाई, हम मित्र पाएंगे चीन के, चीन में हम अपना मित्र देख रहे थे, जो एक बड़ी भूल साबित हुई थी 1962 में। फिलहाल समझौते के बारे में बात करें तो पंचशील समझौता जो था वो 31 दिसंबर 1953, क्योंकि पंचशील का नाम आया तो मुझे लगा कि ये आपको बता देना चाहिए कि पंचशील क्या था, 29 अप्रैल 1954 को बैठकें हुई थी, जिसके बाद अंततः बीजिंग में इस पर हस्ताक्षर हुए थे। समझौता मुख्य तौर पर भारत और तिब्बत के व्यापारिक संबंधों पर केंद्रित है, मगर इसे याद किया जाता है इसकी प्रस्तावना की वजह, जिसमें 5 सिद्धांत हैं। 5 सिद्धांतों में भारत और चीन ने आपस में 5 सिद्धांतों पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से पहला था कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, परस्पर अनाक्रमण यानी कि एक दूसरे के ऊपर बिना वजह आक्रमण नहीं करेंगे, या किसी भी वजह से उन्हें आक्रमण करना पड़े तो वो इस नीति को नहीं अपनाएंगे, लेकिन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सम्मान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना जगाए रखेंगे।
इसके अलावा पंचशील का जो वर्णन है वो बौद्ध धर्म में भी थेरवाद के अंतर्गत देखने को मिलता है। महात्मा बुद्ध जी ने इसके बारे में कहा था, पांच सिद्धांतों के बारे में, पंचशील सिद्धांत के, हिंसा नहीं करना मनुष्य का धर्म है, चोरी ना करना, व्याभिचार ना करना, झूठ ना बोलना और नशा ना करना, ये बौद्ध धर्म के अनुसार पंचशील सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब कुछ अलग अलग है, ये पंचशील सिद्धांत अलग है, ये पंचशील सिद्धांत अलग है, और वो सहयोग संवाद डायलॉग वगैरह वाले पंचशील जो नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं वो एकदम अलग है। तो हाल फिलहाल आपको ये याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंसिल की बैठक होने वाली है जिसमें 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जाने वाला है, और ये 5 नए सदस्य जो होंगे 17 जून को चुने जाएंगे, जिसमें भारत की दावेदारी मजबूत है, यानी कि इस साल भारत को 2 साल के लिए कार्यकाल मिलेगा जिसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत सदस्य बन सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी न्यूज भारत को जो वैश्विक स्तर पर मिली है वो है WHO के लिए भारत जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर अब बनाया गया है, यानी कि अगले आने वाले कार्यकाल के लिए भारत जो है वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रहेगा और WHO की नीतियों का निर्धारण भी करेगा। इसके अलावा चलते हैं आगे की न्यूज की ओर। अगली जानकारी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बड़ा एजेंडा यह है कि निर्मला सीतारमण जी जो कि आपके वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने अभी इस बार बजट पेश किया था, उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित एक टास्क फोर्स गठन करने की बात की थी। ये टास्क फोर्स क्या करने वाली है? बड़े समय से ये विवाद का विषय रहा है कि जो स्त्री हैं या जो महिलाएं हैं उनकी विवाह योग्य उम्र क्या होनी चाहिए। हमारे देश में वैसे तो लड़कों के लिए जो उम्र है वो 21 साल है विवाह की, और जो महिलाओं के लिए उम्र है वो न्यूनतम उम्र 18 साल है। लेकिन इस पर लगातार बातचीत होती रही कि क्यों ना इस उम्र को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि 18 साल की उम्र में और फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति यानी कि बच्चे होने की दशा में महिलाओं का जो स्वास्थ्य है उसमें कमी आ जाती है और उन्हें काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक कमेटी गठित की गई है, और वो जो कमेटी गठित की गई है वो केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने देश की महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को सुधार के लिए 6 जून को एक कार्यदल गठन किया है। इसकी प्रमुख अध्यक्ष होंगी जया जेटली। जया जेटली का नाम जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काफी समय तक जोड़ा जाता रहा है। जया जेटली जो है ये जनता पार्टी की प्रमुख सदस्य रही और काफी समय तक इनका जो नाम है वो जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जोड़ा जाता रहा। तो फिलहाल ये वही वाली जया जेटली है जिनका नाम जॉर्ज फर्नांडिस के साथ जोड़ा जाता है। तो यह दल अपनी रिपोर्ट जो है 31 जुलाई तक सौंप देगा, और अगर इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा आता है तो हो सकता है कि महिलाओं की जो विवाह योग्य उम्र है वो बदल दी जाए। फिलहाल निर्मला सीतारमण जी ने 2020-21 के बजट में महिलाओं के लिए एक कार्यदल बनाने की घोषणा की थी। टास्क फोर्स है, यह टास्क फोर्स क्या करेगा? शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म लेने वाले शिशुओं और बच्चों के बालक बालिकाओं के अनुपात, स्वास्थ्य तथा पोषण से संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करेगा, और यह देखेगा कि महिलाओं की उम्र, उनके विवाह और उनके जो बच्चे होते हैं उसके बीच में क्या संबंध है, किस तरीके से उनका पोषण किया जाना चाहिए और किस तरीके से उनको सुरक्षित रखा जाए। यह महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का उपाय भी सुझाएगा, और यह दल इन विषयों से संबंधित विधायी उपायों और मौजूदा कानूनों संशोधन के बारे में भी सुझाव देगा। तो कुल मिलाकर महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना लॉन्च, एक कार्यदल गठन किया गया है, एक टास्क फोर्स गठन किया गया है जो ये बताएगा कि महिलाओं की जो विवाह जो की उम्र है वो सही उम्र क्या होनी चाहिए। अब इसके बारे में बात करें तो यहां पर महिलाओं के पोषण के लिए ऐसा नहीं कि अकेला केवल यही एक प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा एक प्रयास किया गया था, सुपोषित मां अभियान चलाया गया था। सुपोषित मां अभियान आपकी 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला जी, जो राजस्थान कोटा से सांसद है, उन्होंने अपने गृह क्षेत्र से ही इस अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान में क्या किया जाने वाला था? इस अभियान में 1000 गर्भवती महिलाओं को में प्रत्येक को 17 किलोग्राम एक महीने तक संतुलित आहार दिया जाना था, जिसमें बाजरे का आटा, मक्का, चना, गेहूं, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल आदि शामिल होंगे। तो इस तरह की किट उनको प्रदान की जानी थी। इसके अलावा एक और राष्ट्रीय पोषण अभियान चल रहा है केंद्र सरकार द्वारा, जिसमें जन्म के समय, जिसका उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो उद्देश्य है वो ये कि जन्म समय कम वजन वाले बच्चों, यानी जो बच्चे कम वजन के होते हैं तो उनमें कई सारी जो है दिक्कतें हो जाती हैं, वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन अगर बच्चा सही वजन का होता है तो वो उसको जो आगे भी जीवन जीने में उसको थोड़ी सी सहजता होती है। तो इसको कम करने के लिए, इस जन्म के समय कम वजन में जो गिरावट लाने के लिए 2017 से 2022 तक प्रति वर्ष 2% की कमी लाने के लिए इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय पोषण मिशन का। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें 2022 तक कम करके 25% तक स्तर तक लाना है स्टंटिंग को, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 15 से 49 वर्ष की महिलाओं के विद्यमान एनीमिया यानी रक्त की कमी के स्तर में भी कमी लाने का प्रयास करना है। तो ये आपका जो मिशन है वो राष्ट्रीय पोषण मिशन से संबंधित है।
अब चलते हैं अगली जानकारी की ओर। आप सभी को पता होगा कि चीन जो है, अभी चीन और भारत बॉर्डर पर कुछ गहमा गहमी दिखाई दी थी, लड़ाई झगड़े जैसा माहौल बन गया था और चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कुछ एक दिन खबर आती है कि हाँ हुआ हुआ हुआ, अगले दिन होता है वो पीछे हट गया। क्या हुआ है इन सभी बातों में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत और चीन के शीर्ष जो वार्ताकार हैं उनके बीच में वार्ता हुई कि भाई किस तरीके से इन सीमाओं के संबंधों को या सीमाओं की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई। यह वार्ता लद्दाख में मोल्दो चुसुल सीमा चौकी के पास चीनी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। इस वार्ता में भारत और चीन की सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के नेतृत्व में भारतीय शिष्टमंडल ने किया, जबकि चीन का नेतृत्व वहां के मेजर जनरल लिन लुई ने किया था। इस वार्ता में दोनों देश विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप सीमा क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहमत हुए। जो मेन मुद्दे थे वो थे LAC, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। दोनों देशों के बीच यह वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए थी। अब तक चीन से इस पर कई स्तर पर बातचीत हो चुकी है, लेकिन किसी समाधान पर नहीं पहुंच पाए हैं। 5 मई को पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब बिगड़ गई जब करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। उसके बाद भारत ने फैसला लिया कि पेंगेंगसो, जिसे पेंगोंग लेक भी कहते हैं, गलवान वैली, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी जैसे सभी विवादित जगहों पर चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारतीय सैनिक मजबूत रुख अपनाएंगे और जैसा चीनी करेंगे उनका वैसा ही जवाब दिया जाएगा। फिंगर 4, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको मैप में मैं अभी दिखाऊंगा। दोनों देशों के बीच हुई इस वार्ता में सबसे अहम मुद्दा यह था कि इस बार चीनी सैनिक गलवान घाटी के फिंगर 4 तक आ गए। दोनों देशों के बीच हुई समझौते के मुताबिक यह ऐसा इलाका है जहां भारत और चीन दोनों ही दावा प्रस्तुत करते हैं और इस इलाके में भारतीय सैनिक हमेशा से गश्त करते आए हैं। समझौते के अनुसार सैनिक वहां तो आ तो सकते हैं, लेकिन वहां कोई ढांचा खड़ा नहीं कर सकते और ना ही वहां डेरा डाल सकते हैं। चीन ने समझौते का उल्लंघन किया और बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए हैं। उनका मकसद भारतीय सैनिकों को इससे अपने गश्त से रोकना है, जबकि भारतीय सैनिक शुरू से ही फिंगर 8 तक गश्त करते आए हैं। अब थोड़ा सा मैप में आइए, ये घटना कहां घटी? जो 5 मई वाली घटना है वो यहां पे घटी थी, यहीं पर पेंगोंग लेक है। 9 मई को भी एक बार हुआ था नाखुला सेक्टर सिक्किम में ये घटना घटी, यहां पर आप देख सकते हैं। और डोकलाम, जो कि भूटान और भारत के बीच में पड़ता है ये डोकलाम, यहां पर भी 2017 में 73 दिन टकराव रहा था। तो इस तरीके से भारत चीन सीमा बॉर्डर पर ये हो रहा है। और अगर आप इधर की बॉर्डर की बात करें तो इसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है, जो तिब्बत से भारत के साथ सीमा बनाती है उसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। हाल फिलहाल यहां पर पेंगोंग लेक में अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो ये यहां की जो पहाड़ी है उसमें उभार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 लगभग उभार है। मतलब कि आप ऐसे आओगे, पहाड़ी आपको ऐसे चढ़नी पड़ेगी फिर आप उतरोगे। तो इसको फिंगर 1 कहा जाता है, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो यहां तक आ गए, मतलब चीनी सीमा यहां पर है और चीनी सीमा जो है वो चीन वाले यहां तक आ गए। भारत वाले सैनिक जो है वो यहां से लेके यहां तक गश्त करते हैं। ये बीच का इलाका किसका है ये किसी को नहीं पता। यहां पर अक्सर दोनों सैनिक टहलते रहते हैं, वो कहते हैं हमारा, वो कहते हैं हमारा। अभी तक शांतिपूर्वक ढंग से गश्त लगा रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ, वहां पर डेरा जमाने लगे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें शुरू हो गई। फिंगर क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो पहाड़ की इस शेप है, जो पर्वत का शेप है वो कुछ इस तरीके का, हिमालय पर्वत का जो शेप है वहां पे कुछ इस तरीके का है कि आप इसको पार करोगे फिर नीचे एक गड्ढा मिलेगा, घाटी मिलेगी, फिर आप इसको पार करोगे फिर घाटी मिलेगी, फिर इसको पार करोगे, तो इसको फिंगर शेप कहा जाता है। इसीलिए इसको फिंगर 4, फिंगर 6, फिंगर 7 तक ऐसे बोला जा रहा है। आई थिंक अब आपको जानकारी समझ में आ गई। जो घटना भी 5 मई वाली है वो यहां की है और 9 मई वाली ये नाखुला सेक्टर सिक्किम में देखने को मिली थी। अगली जानकारी है, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है मशहूर गीतकार जावेद अख्तर। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वो इस अवार्ड के पाने वाले पहले भारतीय हैं। यह अवार्ड उन्हें तर्कसंगत विचार, धर्मनिरपेक्षता, मानव विकास और मानवीय मूल्यों को अहमियत देने के चलते मिला है। यह अवार्ड सिनेमा का क्षेत्र हो, रिसर्च का क्षेत्र हो, शोध का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो धर्म निरपेक्षता का पक्षधर होता है या उस अपने किसी पर्टिकुलर धर्म की वकालत ना करते हुए धर्म निरपेक्षता की ओर बात करता है। तो हाल फिलहाल इस बार यह पुरस्कार पहली बार किसी भारतीय को मिला है, वो है जावेद अख्तर। तो इससे पहले ये बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचिन्स को भी यह पुरस्कार मिल चुका है। रिचर्ड डकिंस पुरस्कार को साल 2003 से दिया जा रहा है, जो ब्रिटिश विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डकिंस के नाम पर है। रिचर्ड डकिंस एक
बायोलॉजिस्ट हैं, इनकी एक पुस्तक आई थी, बहुत फेमस पुस्तक है 1976 में, द सेल्फिश जीन, जिसमें उन्होंने जीन के बारे में बताया था कि वो किस तरीके से अपने अनुरूप परिवर्तित हो लेता है और अपने वातावरण में अपने आप को खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो रिचर्ड डकिंस की जो पुस्तक थी द सेल्फिश जीन, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार आज भी दिया जाता है। हाल फिलहाल वो जिंदा है अभी, मतलब उनकी मृत्यु नहीं हुई है, और अभी 1941 में उनकी पैदाइश हुई, तो अभी ऑलमोस्ट वो 79 ईयर के हैं। तो जावेद अख्तर को मिला रिचर्ड डकिंस पुरस्कार। अगली जानकारी है स्पंदन अभियान। आपने अक्सर इस तरह की चीजें सुनी होंगी कि पुलिसकर्मी क्या कर लेते हैं, कभी कभी हत्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, कभी कभी राइफल उठाते अपने साथी को ही मार देते हैं, जिसे भात हत्या भी कहते हैं। तो ऐसे में क्या रीजन होते हैं कि वो आत्महत्या करते हैं, या क्यों वो ड्यूटी से इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनको इस तरह का कोई कदम उठाना पड़ता है? तो इसके लिए उनको मनोवैज्ञानिक सलाह देने का जो अभियान शुरू किया गया है, वो स्पंदन नाम का एक अभियान शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में भूपेश बघेल हैं, और जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में पुलिसकर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भातृघात जैसी घटनाओं को रोकने के लिए स्पंदन नाम का अभियान शुरू किया है। जिला मुख्यालय में मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे। योग कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी, और पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ में 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने आत्महत्या की है। तो ऐसे में उनके लिए ये अभियान जो होगा वो काफी ज्यादा कारगर रहेगा। अगली जानकारी है एम नेत्रा जो है ये तमिलनाडु की रहने वाली है, 13 वर्षीय लड़की है, और इसको अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा, यानी कि UNADP द्वारा, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस द्वारा उन्हें रिकग्निशन दिया गया है, उन्हें सम्मान दिया गया है। और ऐसा सम्मान उन्हें इसलिए दिया गया है कि उन्होंने, उनके पिताजी के पास 5 लाख रुपए थे, तो उन्होंने COVID-19 के दौरान लोगों को देने के लिए अपने पिताजी को मना लिया कि भाई ये 5 लाख रुपए आपने जो रखे हुए हैं इसे लोगों की मदद की जाए, और ये बहुत अच्छा प्रयास है। उनके पिताजी ने ये जो पैसे थे वो उनकी आगे की पढ़ाई के लिए, वो सिविल सेवा में जाना चाहते थे, भेजना चाहते थे, उसके लिए रखे थे, लेकिन वो सारे के सारे पैसे उन्होंने COVID-19 के दौरान लोगों की मदद करने के लिए दे दिए। तो हाल फिलहाल उन्हें संयुक्त राष्ट्र UN सम्मेलन में बोलने का अवसर मिलेगा, और वह जिनेवा में सिविल सोसाइटी फोरम और सम्मेलन को संबोधित करेंगे। डिक्सन स्कॉलरशिप ने नेत्रा को 1 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि से सम्मानित किया है। इससे पहले 13 वर्षीय लड़की ने अपने पिता सी मोहन द्वारा उसकी शिक्षा के लिए बचाए गए 5 लाख रुपए लॉकडाउन के दौरान गरीबों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराने के लिए खर्च करने के लिए मना लिया था। यह पैसा नेत्रा की शिक्षा और भविष्य में उसे सिविल सेवा में प्रवेश दिलाने के लिए किया गया था। आपको यह याद रखना है एन नेत्रा कहां की है, तमिलनाडु की रहने वाली है, 13 वर्षीय लड़की है। अगली जानकारी है, यह अपॉइंटमेंट है एम्बेसडर का, मोनिका कपिल मेहता, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो है मोनिका कपिल मेहता, इनको स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान में स्वीडन में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत है। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में सीबी जॉर्ज की जगह लेने वाली है, और सीबी जॉर्ज को अभी कहां भेजा गया हमने अभी चर्चा करेंगे। सीबी जॉर्ज को कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी कुछ दिन पहले मैंने बताया राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। आप इसे मेरे नाम से याद कर सकते हैं, राहुल रोमानिया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत है। राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में थांगलुरा दार्लोंग का स्थान लेने वाले हैं। और तो इसको एक बार फिर से कर देखते हैं जल्दी से स्लाइड को। मोनिका कपिल मेहता स्विट्जरलैंड में काम कर रहे थे, सीबी जॉर्ज चले गए कुवैत, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया जाएंगे, रोमानिया में काम कर रहे थे थांगलुरा दार्लोंग। और पिछले हफ्ते जो अपॉइंटमेंट हुई उनके बारे में बात कर लेते हैं। गायत्री ईश्वर कुमार को ब्रिटेन भेजा गया राजदूत के तौर पर, वह रुचि घनश्याम की जगह ले रही है। पपुआ न्यू गिनी में गए हैं सुशील कुमार सिंगल, फिनलैंड में गए हैं रवीश कुमार, और कुवैत में गए हैं सीबी जॉर्ज। इसके अलावा इस साल जो भी अपॉइंटमेंट हुए वो ये हैं, बहरीन में भेजा गया है पीयूष श्रीवास्तव को, कतर में भेजा गया है दीपक मित्तल को, श्रीलंका में भेजा गया है गोपाल बागले को, नेपाल में विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा में अजय बिसारिया, यूएसए में तरनजीत सिंह सिंधु, टर्की में संजय कुमार पांडा, और फ्रांस में जावेद अशरफ, नाइजर में श्री प्रेम कुमार नायर। एको नहीं याद हुए, कैसे याद होंगे, ऐसे याद करो, इसको छुपाओ, छुपा लिया, ठीक है। बताओ बहरीन में कौन गया, पीयूष कुमार श्रीवास्तव, कतर में कौन गए हैं दीपक कुमार मित्तल, श्रीलंका में कौन गए गोपाल कुमार बागले, नेपाल में कौन है विनय मोहन क्वात्रा, कनाडा में कौन है अजय बिसारिया, यूएसए में कौन है तरनजीत सिंह सिंधु, टर्की में कौन है
यह है संजय कुमार पंडा, फ्रांस में जावेद अशरफ, नाइजर में श्री प्रेम कुमार नायर। याद हो गया, याद करने की कोशिश करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा, अगर ये याद रहेगा तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर रहेगा। अगली जानकारी तब चलते हैं। अगली जानकारी है, भारत विश्व में कोरोना वायरस का बहुत बढ़िया देश बन गया है, हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, हमने कई देशों को पछाड़ दिया और रिकॉर्ड एक दिन में 9,887 मामले आए हैं 6 जून को, 294 मौतें दर्ज हुई हैं। जब हमारे पास कम मरीज थे तो हम लॉकडाउन हुए पड़े थे, अब हमारे पास मरीजों की संख्या बढ़ रही है, हम अनलॉक हो गए, फिर भी अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना का डेथ रेट कम है, कभी कभी तो ये भी हो रहा है कि ये किसी को हो भी जा रहा है और पता भी नहीं लग रहा और ठीक भी हो जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको इसको डरने की जरूरत है, लेकिन हाँ सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर आप में से किसी को भी कोरोना होता है तो हो सकता है उसको फर्क न डाले, लेकिन आपके अगल बगल कोई भी कमजोर इम्यून सिस्टम वाला आदमी होगा उसको जरूर दिक्कत हो जाएगी। तो हाल फिलहाल भारत जो है ये 5वें नंबर पर आ गए हैं कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इसकी केस संख्या 6 जून 2020 को 2.41 लाख को पार कर गई है। केवल अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और यूके में ही भारत की तुलना में अधिक कोरोना वायरस मामले हैं। भारत ने इटली और उसके बाद स्पेन को पीछे छोड़ते हुए अवांछनीय स्थान पर पहुंच गया है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट की साइट पे देखा, ये mygov.in है, वहां पर वो एक्टिव केसेस दिखा रहे हैं 125,381 और 124,094 लोग जो हैं वो या तो ठीक हो गए हैं या तो डिस्चार्ज हो गए हैं, तो अगर आप दोनों मिला लेंगे तो 2.5 लाख के आसपास भारत के अंदर कोरोना मरीज पाए गए थे, जिसमें से 7,135 डेथ हुई हैं और एक माइग्रेटेड हो गया है, यानी कि एक बाहर चला गया है, हमारे यहाँ नहीं रहा, वो चला गया अपने देश वापस लौट कर। तो भारत में वर्तमान समय में 125,381 केसेस ऐसे हैं जो एक्टिव अवस्था में है। अब आ रही है न्यूज फटाफट की, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 6 जून को क्यों मनाया गया संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, क्योंकि इसमें ये एक कवि हैं रूसी भाषा के, उनका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, हाँ अलेक्सांद्र पुश्किन जो है उनकी जन्मतिथि पर इसको मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, उन भाषा के दिवस वो किस प्रकार से मनाते हैं, अरबी भाषा का दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को, चीनी भाषा का दिवस मनाते हैं 20 अप्रैल को, अंग्रेजी भाषा दिवस मनाते हैं 23 अप्रैल को, स्पेनिश भाषा भी मनाते हैं 23 अप्रैल को, फ्रांसीसी भाषा मनाते हैं 20 अप्रैल को और रूसी भाषा का मनाते हैं 6 जून को। तो 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया गया अलेक्सांद्र पुश्किन के जन्म दिवस पर। अगली जानकारी है, 7 जून को दूसरा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, फूड सेफ्टी, और इस बार जो इसकी थीम रही वो रही फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट डे है याद रखिएगा, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। क्यों? क्योंकि कभी कभी आप चाउमीन खा लेते हो, बर्गर खा लेते हो, कभी कभी वो चाउमीन वाला जो होता है उसने पता नहीं उसी चाउमीन को कितने बार उसी जो भी जिस बर्तन में चाउमीन बनाई होती है उसमें पता नहीं कितने बार उसने चाउमीन बनाई होती है, तो ये बुरा खाना होता है, जैसे आपको कोई भी पौष्टिकता नहीं मिलती, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको स्वाद मिलता है, और ऐसे खाने से आपको जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, तो कम से कम इस दिन तो मत खाया करो। चलिए मजाक की बात अलग है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 7 जून को पूरे विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो खराब भोजन का सेवन करने की वजह से गंभीर रोगों का शिकार हो जाते हैं उन्हें खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। 2019 में पहला मनाया गया तो उसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इस बार कोई थीम जारी नहीं की गई है, इसीलिए इसकी थीम इस बार भी यही मनाएंगे, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। विश्व महासागरी दिवस 8 जून। हर साल विश्व स्तर पर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड ओशियन डे। यह दिन हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जारी प्रयासों के वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विश्व महासागर दिवस का विषय है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। विश्व कीट दिवस 6 जून को, वर्ल्ड पेस्ट डे जो मनाते हैं वो 6 जून को मनाते हैं। हर 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया गया था कि कीट प्रबंधन आपके और हमारे आपके प्रियजनों के लिए जीवन में गुणवत्ता बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। हम सभी को पता है जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो हमारे लिए आपको देखने में जरूर बेकार लगते होंगे, लेकिन आपकी जो जैव विविधता है उसको बनाए रखने के लिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड पेस्ट डे यानी कि विश्व कीट दिवस हर साल 6 जून को मनाया जाता है। अब आ रही है हमारे वन लाइनर की, तेजी से करेंगे थोड़ा सा। प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन पर 6 जून को संयुक्त राष्ट्र दिवस द्वारा कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वह रूसी भाषा दिवस। स्पंदन किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है, तो जो पुलिसकर्मी है उनको मनोवैज्ञानिक सलाह देने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने चलाया है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है, तो वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य तथा पोषण स्तर में सुधार के लिए कार्यदल का गठन किया, इसकी प्रमुख कौन होंगी, तो वो होंगी जया जेटली जी। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख के मोलदो चुसुल सीमा चौकी के पास
चीनी क्षेत्र में 6 जून को एक उच्च स्तरीय वार्ता हुई जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, वो है लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। हाल ही में रिचर्ड डकिंस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, पहले भारतीय हैं तो वो है जावेद अख्तर। किसको संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति गुडविल एम्बेसडर ऑफ द फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है एम नेत्रा। किसको स्विट्जरलैंड में भारतीय अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो वो है मोनिका कपिल। भारत में विश्व में कोरोना वायरस सबसे प्रभावित देश कौन सा नंबर का बन गया है, तो 5वें नंबर का प्रभावित देश बना है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को। विश्व कीट दिवस 6 जून को। और ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से 20,000 टन डीजल बहने के बाद रूस के साइबेरिया में एक आपातकाल लगा दिया है, इसे कौन सी नदी प्रभावित हुई थी, उसका नाम है अंबर नया। अब बारी है आज के क्विज की। ऊर्जा संयंत्र भंडारण केंद्र से लगभग 20,000 टन डीजल बहने के बाद रूस के साइबेरिया में आपातकाल लगाया गया है, कौन सी नदी प्रभावित हुई है, अंबर नया। प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो रूसी भाषा दिवस के रूप में मनाया। आजकल तो लग रहा है न्यूज रूसी था। स्पंदन किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है, तो यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया प्रोग्राम है। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक निर्वाचित सीट को सुरक्षित करने के लिए पंचशील अभियान का अनावरण किया है, तो वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। केंद्र सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय ने देश में महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण स्तर पर सुधार के लिए एक कार्यदल का गठन, यानी एक टास्क फोर्स का गठन किया। उसकी जो हेड होंगी वो कौन होंगी, जया जेटली। अगर इनकी रिपोर्ट आती है तो हो सकता है कि जो महिलाओं की विवाह करने की उम्र है वो स्वतः बदल जाए। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों के बीच लद्दाख में मोल्दो चुसुल सीमा के पास चीनी क्षेत्र में 6 जून को उच्च स्तरीय वार्ता हुई जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो भारत का प्रतिनिधित्व किया है हरिंदर सिंह। हाल ही में रिचर्ड डकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो वह है जावेद अख्तर। यह धर्म निरपेक्षता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। किसको संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वह है एम नेत्रा। तमिलनाडु की 13 वर्षीय बालिका है। किसको स्विट्जरलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है मोनिका कपिल मोहता। हाल ही में भारत विश्व में कोरोना वायरस का सबसे प्रभावित देश कौन सा बन गया है, 5वें नंबर पर भारत है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये आपका 8 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस उल्टा हो गया, 7 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है, माफी चाहूंगा। और प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 8 जून को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष कीट दिवस कब मनाया जाता है, यह आपका 6 जून को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और उम्मीद करता हूं ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखिए।